गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और गांव में सब हाल चाल एकदम बिल्कुल चकाचक है इस समय। ये देखो, अभी धान की कटाई गांव में खूब तेज़ी से चल रहा है। दवाई कटाई जो होता है धान का, बहुत तेज़ी से चल रहा है इस समय। और ये हमारा धान है, ये देखो इधर का धान हमारा पूरा कट चुका है। पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा लगा हुआ है अभी, बाकी सारे धान कट चुके हैं ये देखो। और कल शाम को खेतों में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर दिया था, फावड़ा वावड़ा चलाया था, सब हाथ पैर दुख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक्सरसाइज अगर पहले दिन करने जाओ तो दूसरे दिन जिस तरह से दर्द होता है, बस ठीक उसी तरह से सब हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर दिए थे। क्या है कि जब धान की कटाई हो जाती है तो लहसुन धनिया और साग वाग ये सब, मतलब बाकड़ा, ये सब सब मतलब बोने पड़ते हैं। तो समय आ गया था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मेहनत हम भी कर लेते हैं और सबकी बुवाई करवा देते हैं। तो खैर, खेत मतलब बनाना था तो हमने कल शाम को खेतों सब बना दिया था। और लहसुन का बिया घर पर है तो घर से ही निकाल कर बो देंगे, और साग का बिया और मूली बाकड़ा ये सब बाज़ार से लाने हैं, तो आज जाऊंगा लाने। फिलहाल तब तक खेतों में देखिए कि मतलब मैंने क्या काम किया था कल। Driving round with my baby, top drops and raindrops. Motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine. I'm a fool, yeah. I got love blind, and ooh, yeah. I got my heart out, and it's covered in gold. Like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah. 'Cause you know it's good. सीन देखा अभी खेतों का, बड़ी मेहनत लगती है भाई खेती बाड़ी करने में। तो थोड़ा बहुत मेहनत हम लोग कर लेते हैं इसी तरह से, और अब हम रेडी हैं एकदम इकोना जाने के लिए। तो जा रहे हैं, इकोना भी बिया हुआ लाना था, जितना भी बिया हुआ लाना था सारे हमने लिस्ट में लिख लिया है अभी। तो लिस्ट जब होता है तो थोड़ा सही रहता है, ख़रीदने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। इसमें लिखा है हमने बाकड़ा का बिया लाना था, बाकड़ा, सोवा, मेथी, पालक, धनिया, मूली, इतने बिये लाने थे। और चंपू के लिए एक साबुन लाना था सिंथोल, और एक किलो केला लाना था चंपू के लिए, पका हुआ केला लाना था एक किलो, जो कि खाते हैं उनको अच्छा लगता है। बस इतना ही सामान लाना था, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट इकोना चलते हैं और सामान वामान खरीदते हैं। अभी हम इकोना आ चुके हैं और हमें जो सामान लेना था, मतलब कि आप लोगों से बता दिया था कि हमें सिर्फ दिया लेना था, तो हमने ले लिया है। और ये रोड जो आप देख रहे हो, ये रोड सीधे इधर को बहराइच गया हुआ है, ये बहराइच रोड है। और इकोना में हमने कई वीडियो बनाए हैं, इसलिए इस वीडियो में मतलब मैंने सोचा कि सीन ना दिखाएं तो ही अच्छा होगा। तो इकोना से करीब 5-6 किलोमीटर के आसपास सीता द्वार पड़ता है, और सीता द्वार के बगल साइड में एक परसौरा मार्केट पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि आज चलो आप लोगों को परसौरा मार्केट दिखाते हैं और इकोना का सीन ना दिखाएं, इकोना का सीन बस इधर का ही इतना है, दिखा दिए हैं आप लोगों को, और चलो परसौरा आप लोगों को दिखाते हैं। खैर, ये मतलब जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है, परसौरा भी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है, सीता द्वार मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में पड़ता है। और ये है अपना सामान झोले में रखे हुए हैं, और ये है अपनी बाइक। तो अब चलो भाई चलते हैं।
अभी हम सीता द्वार आ चुके हैं। पीछे दिख रहा है मेन गेट सीता द्वार का, इधर दिख रहा है ये धर्मकांटा भट्ठा और ये है मेन गेट सीता द्वार का। यहाँ से प्रवेश किया जाता है सीता द्वार के लिए, और मतलब मंदिर 1 किलोमीटर और अंदर जाकर तब मिलेगा, और उसके बगल साइड में परसौरा बाजार पड़ जाता है जो कि आपको अभी हम दिखाते हैं। और सीता द्वार मेला भी लगता है कार्तिक के महीने में, और 5 दिन का ये मेला होता है। पहले क्या था कि पहले 3 दिन का मेला होता था, मगर अब 5 दिन का मेला होता है। बहुत ज़बरदस्त मेला होता है। और ये सब सड़क जो आप देख रहे हो, ये सब पूरा खचाखच भीड़ से भरी होती है। और इधर साइड में जो ये सब जगह दिख रहे हैं, ये सब साइकिल की स्टैंड इस पर बना दी जाती है, और बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, खूब अच्छा लगता है। चलो अब आपको परसौरा माफी दिखाते हैं। तो अभी देखो यहाँ से परसौरा मार्केट शुरू होता है। अभी जो आपको दिखाया है ये है परसौरा माफी, और ये एक छोटा सा मार्केट है, और ये मार्केट सीता द्वार के बिल्कुल बगल में पड़ जाता है। और जब इकौना से बहराइच रोड पर जाने पर करीब 6-7 किलोमीटर के आसपास इस मार्केट की दूरी पड़ती है। और परसौरा माफी से थोड़ा सा और आगे जाने पर सेमगढ़ा मिलेगा, उससे और आगे जाने पर आपको गिलोला मार्केट मिलेगा, उससे और आगे जाने पर बहराइच मिल जाएगा, ऐसा है। तो किसी दिन सोच रहा हूँ कि गिलोला भी आप लोगों को दिखा दूँ जल्दी से। और परसौरा में ईंट बनाने वाला भट्ठा भी मिलेगा, ये देखो, जो कि अभी चालू हो चुका है, ईंट की पथाई इधर चालू है। और परसौरा के बिल्कुल बगल साइड में टड़वा महंत पड़ जाता है, और यहाँ से देवी पाटन मंदिर की दूरी 69 किलोमीटर, बलरामपुर की दूरी 30 किलोमीटर। फिर इधर से देखो लखीमपुर की दूरी 148 किलोमीटर, बहराइच की दूरी 29 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। और इस रोड की सबसे अच्छी चीज़ आप देख लो, ये देखो छोटा सा बस स्टॉप, यहाँ पर छोटा सा बस स्टॉप सड़क के किनारे किनारे बनाया गया है। सड़क के किनारे किनारे छोटे छोटे बस स्टॉप बना दिए गए हैं, और इसको टीन से मतलब छाया गया है ताकि अच्छे से मजबूत रहे। और इसमें ये देखो ये पावा जो है ये लोहे का है, और लोहे की कुर्सी भी इस पर लगाई गई है, और इस पर लोहे की लंबी कुर्सी लगाई गई है ताकि 5-6 लोग आराम से इस पर बैठकर साधन का इंतज़ार कर सकें। तो कितना अच्छा व्यवस्था यहाँ पर दी गई है इस रोड पर। तो बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही, और आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो को एंड करें और किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलें, तो वीडियो को लाइक करना, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा भेजा हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।